2015, 16, 17 में जब क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट नया नया आया, बहुत ही कम लोगों ने, 1-2% लोगों ने ही इसको एक्सेप्ट किया। This is a technology, it's a computer language, and I can build an app on it. और आज की डेट में 2024 में हम सब जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ऑलमोस्ट सब ने एक ना एक बार क्रिप्टो करेंसी जरूर ट्राई करी हुई है। देखिए, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है वर्ल्ड की, जो 2015, 16, 17 में जब बिटकॉइन न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पे हुई, और अभी 2023-24 में जब AI की दुनिया आ चुकी है, AI ने ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है दुनिया की, ये ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ नए व्यक्ति जो सबसे पहले जुड़ते हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, और वो व्यक्ति वो होते हैं जिनका राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब भी किसी भी फील्ड में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक तरह से यू टर्न ही हो गया, पूरी दुनिया में 40% हिस्सेदारी अकेले भारत की है, एक तरह से 15-16 में नया तरीका आ गया पेमेंट्स करने का, ऑनलाइन पेमेंट्स करने का। इसी तरह से अब 2023-24 में जब हम सब कुछ चैट जीपीटी के साथ डिस्कस करते हैं, अपनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग हम चैट जीपीटी के साथ कर रहे हैं, अपना कॉन्टेंट उससे लिखवा रहे हैं, एक तरह से बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी आ चुकी है। हम आज की डेट में वीडियोस, इमेजेस, सब कुछ AI की मदद से बनवा सकते हैं। बहुत से लोगों की 90% लोगों की जॉब भी जा रही है। These reports by a company called Challenger Grand Christmas, they tracked layoffs. It was really important around recessions and things like that, and they'd tell you that layoffs are coming, and you could sense from that that maybe a recession was coming. You caught something that they wrote about this week, and that is for the first time ever they recorded jobs lost as a result of artificial intelligence. आप ही समझें, जो ये energy of transformation है, ये राहु की पावर है। इस टाइम पे 21st सेंचुरी में मोस्ट पावरफुल प्लैनेट हम राहु को गिनते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और अगर आप इसका यूज नहीं कर सकते तो आपको डिलेड सक्सेस मिलेगा लाइफ में। देखिए, राहु हमेशा क्विक चीजें चाहता है, ये शॉर्टकट्स अपनाना चाहता है, वो भी एक्सट्रीम हाइट पे पहुंचने के लिए, शॉर्टकट सेकेंड थर्ड पोजिशन में पहुंचने के लिए, यानी शॉर्टकट फर्स्ट पोजिशन पे पहुंचने के लिए। तो क्योंकि आज की दुनिया वैसे ही इतनी तेज है, हर व्यक्ति के पास बहुत से टूल्स हैं, आपको एक एज चाहिए होती है हर फील्ड में ही सक्सीड करने की। अगर आपके पास वो एज नहीं है, अगर आपके पास वो राहु की पावर नहीं है, आप आज की एज में कंप्लीट सक्सेस नहीं पा पाएंगे। आप थोड़ा बहुत सक्सेस पा पाएंगे अपनी छोटी सी सोसाइटी में, हो सकता है आप सक्सेसफुल हों, पर अगर आपने वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक्सट्रीम सक्सेस, एक्सट्रीम फेम, एक्सट्रीम मनी पानी है, वो एज जो आपको चाहिए वो राहु की पावर है। आपके अंदर जो क्लेवरनेस होती है, जो ऑब्सेशन होता है, जो एक चीज के पीछे पड़ने का ऑब्सेशन होता है, उसको पा लेने का एक जुनून होता है, वो राहु से मिलता है आपको। राहु आपकी कुंडली में जिस भी घर में बैठा होगा, उस फील्ड के लिए आपकी जरूर ऑब्सेशन होगी लाइफ में, चाहे आप वो पा सके या ना पा सके, वो पावर के ऊपर डिपेंड है राहु किस स्थिति में बैठा है। बट जो वो ऑब्सेशन है, वो अर्ज जो आपके अंदर से आती है उस चीज को देखने से, वो राहु देता है आपको। अगर वो अर्ज आप अपने बिजनेस में यूज कर लें, आपको इतनी एनर्जी बिजनेस में मिल जाए, अपने काम में मिल जाए, अपने पैसे कमाने वाले धंधे में मिल जाए, तो उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए दुनिया की बहुत मशहूर मशहूर कंपनियां भी एस्ट्रोलॉजी की पावर यूज करती है, बट गुप्त रह के। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, गोल्डन रेशियो के बारे में स्टडी करिए, 666 लोगों के बारे में स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कौन से ब्रांड्स जिनके बारे में आप रोज सुनते हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो आपको ये चीज़ें आपसे एक तरह से छुपाई जाती हैं, क्योंकि देखिए, जब तक सबके पास सेम नॉलेज नहीं है, तब तक कुछ व्यक्ति आपके ऊपर रूल कर सकते हैं। जब आपके पास भी उनकी वाली नॉलेज आ गई, तो आप भी अपने ऊपर वो नॉलेज यूज कर सकते हैं अपने सक्सेस पाने के लिए। जब तक आपके में वो अर्ज टू सक्सीड नहीं होगी अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर, तब तक आप एक्सट्रीम लेवल तक जा ही नहीं सकते। आप बीच में जरूर गिव अप करेंगे, या फिर अगर आप गिव अप नहीं भी कर रहे, हो सकता है आपकी कुंडली में शनि स्थिति में बैठा हो कि आपको सब कुछ डिलेड ही मिलना हो, यानी कि धीरे 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 काम, मेहनत, रोज मेहनत करके, 9 to 6 मेहनत करके आपको पैसे मिलते हो। परंतु जिनकी कुंडली में राहु स्ट्रांग है, उनको खुद को भी पता है, और उनको देख के बाकी व्यक्ति भी बता सकते हैं कि ये व्यक्ति एक्सट्रीम सक्सेस पा सकता है कुछ ही सालों में। देखिए, राहु आपको क्यों ऐसी एनर्जी देता है, क्यों कहते हैं कि राहु शॉर्टकट मनी देता है, क्योंकि ये आपको एक्सट्रीम एंथुजियाज्म देता है।
अगर आप एक्सट्रीम एंथुसियाज्म के साथ किसी चीज के पीछे लग जाएंगे तो बहुत छोटे ड्यूरेशन में ही उसको पालेंगे, रादर देन कि आपके पास सुस्ती हो, आप एक तरह से सुस्त व्यक्ति हो तो ऑब्वियसली आपको सालों साल तो लगना ही है वो वहां पे पहुंचने के लिए। बट अगर वही एक्सट्रीम एंथुसियाज्म आपके अंदर काम करने की आ जाए तो आपको सक्सेस मिलता ही मिलता है, ये चीज राहु देती है हमें। तो तीन चीजें हमने आज समझी, एक तो कि राहु ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाता है, जब भी दुनिया में कोई मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको फर्स्ट प्लेयर बनना चाहिए उसमें घुसने के लिए। अगर आप अर्ली प्लेयर्स में से होंगे तो राहु की पावर आपके में एक्टिवेट होगी और आप सबसे मैक्सिमम अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज, राहु आपको ऐसी अर्ज देता है एक फील्ड में जहां पे आपके हाउस में बैठा है, जिस हाउस में बैठा है, कि आप वहां पे एक्सट्रीमली मोटिवेटेड होंगे। तो अगर आप उसी फील्ड का बिजनेस चूज कर लेंगे, उसी फील्ड का काम चूज कर लेंगे, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आप उसके पीछे बहुत ज्यादा अर्ज के साथ लग सकते हैं। और तीसरी चीज, राहु फॉरेन एलिमेंट्स दर्शाता है। फॉरेन एलिमेंट्स मतलब फॉरेनर्स हो गए, जो आपकी स्टेट से बाहर, जो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलते व्यक्ति, वो फॉरेनर्स हो गए आपके लिए। तो जब भी राहु स्ट्रांग होगा ऐसे व्यक्ति को फॉरेन लैंड से पेमेंट जरूर आएंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आए, सर्विसेज एक्सपोर्ट से आए, खुद ही वो फॉरेन में चले जाए, वहां सेटल हो जाए, बट फॉरेन लैंड्स हम राहु के साथ देखते हैं। और एक आखिरी चीज ये है कि जो नेगेटिव राहु है वो क्या बना सकता है व्यक्ति को, गैंगस्टर बना सकता है, चोर बना सकता है, बहुत हाई लेवल का मनी हीस्ट जैसा चोर बना सकता है। और ऐसे व्यक्तियों को हो सकता है कि भूत भी दिखते हो, जिनको भूत प्रेत दिखते हैं, जो सपनों में भूत दिखते हैं, जिनको सांप दिखते हैं, उनका राहु उनको नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या आपकी कुंडली में राहु की वो स्पेशल पोजीशन है जो आपको एक्सट्रीम सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। उससे पहले मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, राहु किसी भी ग्रह के साथ कंजंक्शन में हो, अगर वो 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच की कंजंक्शन है, यानी कि 8 डिग्री से पहले की कंजंक्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल राहु 12 डिग्रीज में बैठा है और कोई और ग्रह, फॉर एग्जांपल मार्स 14 डिग्री पे आ गया, तो 2 डिग्रीज का डिफरेंस हो गया, इसको हम गलत मानेंगे। अगर 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री का डिफरेंस राहु का किसी भी ग्रह के साथ है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि राहु उस ग्रह की पावर मल्टीफोर्स बढ़ा देता है और उस ग्रह की सिग्निफिकेंस आपके में बहुत ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल राहु अगर बुध के साथ आ जाए, मर्करी के साथ आ जाए, ऐसे व्यक्ति की जो एनालिटिकल स्किल्स होती है, जो रिसर्चिंग पावर होती है, एक्सट्रीम लेवल की होती है, स्टॉक मार्केट्स में एक्सट्रीम सक्सेस पा सकता है ऐसा व्यक्ति। अगर ये वीनस के साथ आ जाए, राहु और वीनस की जब कनेक्शन बनेगी 8 से 12 डिग्री डिफरेंस में, ऐसा व्यक्ति बहुत शानदार एक्टर बन सकता है, बहुत ज्यादा फेम मिल सकती है ऐसे व्यक्ति को। और अगर राहु और सूर्य की कंजंक्शन बन जाए फॉर एग्जांपल, तो ऐसा व्यक्ति फेम तो पाएगा ही पाएगा, अगर अच्छे अच्छे डिफरेंस में है, 8 से 12 डिग्रीज के डिफरेंस में ये कंजंक्शन है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन भी बन सकता है। इसी तरह से राहु जब शनि के साथ कंजंक्शन में आ गया, तो शनि क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है और राहु बहुत ज्यादा तेज मूविंग प्लैनेट है, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी आ जाती है व्यक्ति में, बहुत शानदार बिजनेसमैन बनाता है। तो पहली पावरफुल पोजिशन जो ये दर्शाती है कि आपका राहु स्पेशल है आपकी कुंडली के अंदर, वो है अगर राहु त्रिकोण हाउसेस में बैठा हो। त्रिकोण हाउसेस मतलब फर्स्ट, फिफ्थ या नाइन्थ। अगर यहाँ पे राहु अकेला बैठा है तो बहुत ही सही है, और उसके ऊपर अगर अर्थ या फिर एयर साइंस में बैठा है। अर्थली साइंस कौन से होते हैं? 2, 6 and 10, यानी कि टॉरस हो गया, वर्गो हो गया और कैप्रिकॉर्न हो गया। ऐसी एयर साइंस कौन से होते हैं? 3, 7 and 11, यानी कि जेमिनी हो गया, लिब्रा हो गया और एक्वेरियस हो गया। अगर इसमें बैठा होगा फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउसेस में, बहुत स्पेशल राहु माना जाता है, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस देता है। इसके साथ साथ अगर इन्हीं हाउसेस में, फॉर एग्जांपल फिफ्थ हाउस में अगर राहु सूर्य के साथ कंजंक्शन में आ जाए और 8 से लेके 12 डिग्रीज में ये कंजंक्शन हो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंजंक्शन मानी जाती है। फिफ्थ हाउस में बैठ के ये आपको स्टॉक मार्केट्स में स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा शानदार बना सकता है। और अगर सूर्य के साथ कंजंक्शन में है, पॉलिटिकल कैरियर भी आपका बहुत शानदार बनाता है। इसी तरह से फिफ्थ हाउस में ही अगर राहु गुरु के साथ कंजंक्शन में हो और 8 से लेके 12 डिग्रीज का डिफरेंस है दोनों में, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा शानदार प्लेसमेंट मानी जाती है। चंद्र के साथ आ जाएगा तो आपको फिफ्थ हाउस में राहु और चंद्र बैठ के बहुत ज्यादा टैलेंटेड बनाते हैं, या तो आपको म्यूजिशियन बनाएंगे, डांसर बनाएंगे। इसी तरह अगर शुक्र के साथ आ जाएगा, फिफ्थ हाउस में शुक्र और राहु की कंजंक्शन 8 से लेके 12 डिग्रीज के बीच में डिफरेंस में है, तो
तो बहुत शानदार एक्टर बनाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग देखने के लिए तरस जाते हैं, इतना शानदार एक्टर बन सकता है, इतनी ज्यादा टैलेंट देता है इसको राहु। तो आप देखिए, अगर त्रिकोण हाउसेस में फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ में राहु एयर साइंस या अर्थ साइंस में बैठा हो, बहुत शानदार रिजल्ट्स देता है ये। एक तरह से ये स्पेशल राहु हो गया आपका। दूसरी पावरफुल पोजिशन जो दर्शाती है कि आपका राहु बहुत ही ज्यादा यूनिक है और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा इस लाइफ में, आप ये देखिए, राहु आपके केंद्रास में बैठा है क्या, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ या टेंथ, ये केंद्र हाउसेज होते हैं। इसमें अगर राहु अकेला बैठ जाए तो बहुत ही शानदार है, नहीं तो बेनिफिक्स के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, चंद्र के साथ बैठा हो, इवन सूर्य और मंगल के साथ बैठ के भी केंद्रास में राहु बहुत शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राहु सूर्य के साथ टेंथ हाउस में बैठ गया, आपको वर्क के अंदर इतना फेमस कर देगा, इवन पॉलिटिकल करियर में इतना फेमस कर देगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अगर टेंथ हाउस में मंगल के साथ भी राहु आके बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल राहु और मंगल टेंथ हाउस में बैठे हैं 8 से लेके 12 डिग्री के डिफरेंस में, तो ये आपको हंगर फॉर पावर देता है। आप इतने ज्यादा हंगरी हो जाएंगे सक्सेस के लिए, पावर के लिए, वर्क के लिए, कि एक बिजनेसमैन के लिए इससे अच्छी स्थिति हो ही नहीं सकती राहु की। देखिए, अगर ये 8 डिग्री से कम वाली कंजंक्शन होगी राहु और मंगल की, तो राहु अब मंगल के ऊपर ओवरशैडो कर देता है, ऊपर कब्जा कर लेता है, इसको थोड़ा सा हम नेगेटिव मानते हैं। परंतु कोई भी कंजंक्शन राहु की 8 से लेके 12 डिग्री की डिफरेंस में बहुत ज्यादा शानदार मानी जाती है। ये उस प्लैनेट की पावर को एनहेंस ही करेगा आपकी जिंदगी में। और अब तीसरी और सबसे पावरफुल प्लेसमेंट जो राहु की मानी जाती है, वो हो गए उपच्चया हाउसेस। उपच्चया हाउसेस कौन से होते हैं? तीसरा घर, छठा घर, दसवां घर या फिर ग्यारहवां घर। इसमें से हमने दसवां घर पहले ही कवर कर लिया केंद्रास के अंदर, तो अब कवर करते हैं तीसरा घर। देखिए, उपच्चया हाउसेस में से पहला तीसरा घर आ गया, जहां पे राहु अगर अकेला भी बैठा हो, चाहे किसी के साथ कंजंक्शन में बैठा हो, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स देता है आपको। आपको ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स देगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बुध बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल बुध के साथ राहु अब थर्ड हाउस में आपके बैठ गया 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री के डिफरेंस में, आपको बहुत शानदार राइटर बना सकता है, ये म्यूजिशियन बना सकता है, सिंगर बना सकता है। अगर यहीं पे शुक्र के साथ बैठ गया, आप अपनी वाणी से दूसरे लोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरह से आपको ऐसी मधुर वाणी देगा जिससे आप किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे में कर लेंगे। तीसरे घर में ही अगर शनि के साथ राहु बैठ जाए और 8 से लेके 12 डिग्री का डिफरेंस हो दोनों के बीच में, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस देगा आपको राइटिंग फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में, बहुत शानदार सिंगर बनाता है। दूसरा उपच्चया हाउस छठा हाउस आ गया। देखिए, छठा घर कंपटीशन का घर होता है, राहु का फेवरेट काम ही कंपटीशन है। जब राहु छठे घर में आ गया, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पे अगर कंपीट करके फर्स्ट पे आने की कोशिश करेंगे, राहु आपकी जिंदगी को चमका देगा। राहु अगर बुध के साथ यहां पे आ गया, एनालिटिकल पावर ऐसी बना देगा, कंपटीशन को डिफीट करने में आप माहिर हो जाएंगे। अगर यहां पे शुक्र के साथ आ गया, आपको ऐसा एक्टर बनाएगा जिसको रातों रात सक्सेस मिल सकती है कंपटीशन करके। तो आपको शॉर्टकट मेथड से राहु सक्सेस दिलवाता है छठे हाउस में बैठ के, और छठे हाउस का राहु बहुत ही शानदार माना जाता है, चाहे किसी भी प्लैनेट के साथ यहाँ पे कंजंक्शन हो छठे घर में, पर डिफरेंस 8 से 12 डिग्री का हो तो बहुत ही शानदार प्लेसमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट उपच्चया हाउस हमारा आ गया 11वां घर। देखिए, 11वां घर राहु के लिए वन ऑफ द फेवरेट पोजीशन मानी जाती है, क्योंकि 11वें घर में राहु जो चाहता है वो उसको मिलता है। चाहता क्या राहु? बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिकॉग्निशन। तो अगर 11वें घर में बैठेगा, ये आपको एक्सट्रीम रिकॉग्निशन के लिए पागल कर देता है। 11वें घर में ये आपको ऐसी मोटिवेशन देगा कि या तो आप पॉलिटिशियन ही बन जाएंगे या फिर आप बहुत हाई लेवल के इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। 11वें घर में जब राहु शुक्र जैसे प्लैनेट्स के साथ आ गया, तो आप एक तरह से नेचुरल मैग्नेट बन सकते हैं। नेचुरल मैग्नेट मतलब लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी बनाता है ये कि लोग आपसे मिलने के लिए लाइनों में भी खड़ते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस किस तरह से राहु आपकी कुंडली के अंदर स्पेशल पोजीशंस होल्ड कर सकता है, और क्योंकि 21st सेंचुरी में अभी राहु की पावर इतनी ज्यादा है, ट्रांसफॉर्मेटरी पावर इतनी ज्यादा है, और इवन सक्सेस की पावर राहु के बेसिस पे बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ मनी मैटर्स में नहीं है। देखिए, राहु सिर्फ आपको मनी नहीं देता, आपको एक्सट्रीम फेम भी दे सकता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो आज की एज में नेटफ्लिक्स पे अपने शोज लॉन्च करके फेमस होते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, हमें थिएटर्स में जाके देखनी पड़ती थी मूवी।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट राहु। जब राहु ट्रांसफॉर्म करता है एक इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर देता है। जब हमारे पास कंप्लीट चेंज आ गया किसी इंडस्ट्री में, आप ये समझिए कि उस इंडस्ट्री पे आज की डेट में राहु का बहुत ज्यादा होल्ड है। इसी तरह से मनी मैटर्स में भी सब कुछ डिजिटलाइज तो हो ही गया, हमने देखा है, और इवन करेंसीज भी डिजिटल बन चुकी हैं, देशों की करेंसीज भी डिजिटल बन चुकी है, और क्रिप्टो करेंसीज तो हमने देख लिया कुछ साल पहले कैसे ट्रांसफॉर्मेटरी पावर आई। तो जब भी आप देखेंगे किसी भी फील्ड में ट्रांसफॉर्मेटरी पावर आ रही है और आपकी कुंडली में राहु स्ट्रांग पोजीशंस पे बैठा है, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूं उस इंडस्ट्री में एकदम कूद जाइए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको उस इंडस्ट्री में जरूर लेना चाहिए अगर आपका राहु स्ट्रांग है, जहां पे आपको लग रहा है कि अब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। तो आई होप इस वीडियो में आप ये समझोगे कि कैसे आप राहु की मदद से शॉर्टकट से पैसे कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस भी पा सकते हैं और डर्टी मनी कमा सकते हैं, जो मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा। तो डर्टी मनी इसलिए क्योंकि आपने जल्दी कमा ली, अदरवाइज मनी कभी डर्टी नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।